खुदावर से। आप देख रहे हैं एडियन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाब उलाक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कल बरोज़ सनीचर गरवारे स्टेडियम पर वजीर आला उद्धव ठाकरे का इजलास मुनक़िद। शहर के लिए 1680 करोड़ के आबी फराहमी मंसूबे समेत कई अहम मंसूबों का होगा इफ्तिताह। कोविड के हालात के सबब मुलतवी शुदा ग्राम पंचायतों के चुनाव की तवारीख का ऐलान, आइंदा माह 15 जनवरी को होगी रायदेही। अब खबरें तफसील से। रियासत के फाल वजीर आला उद्धव ठाकरे के बदस्त कल बरोज सनीचर शहर औरंगाबाद के लिए 1680 करोड़ के तकमीने की आबी फराहमी मंसूबे समेत चार दूसरे बड़े कामों व मंसूबों का भूमि पूजन होने जा रहा है। वजीर आला के मस्कुरा प्रोग्राम की जानकारी देने के लिए ज़िला कलेक्टर, कमिश्नर बल्दिया उज़्मा और पुलिस कमिश्नर ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़द की। वजीर आला के इजलास में शिरकत के लिए आने वालों की तीन मराहल की कोरोना जांच की इतला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। 12 तारखेला औरंगाबाद शहरामध्ये चार महाविकास कामांचा भूमिपूजन होणार आहे। त्यामध्ये 1680 कोटीची मच अवेटेड पाणी पुरवठा योजना, दुसरा स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे स्मृती उद्यान, तीसरा 174 कोटीचे जंगल सफारी प्रकल्प आणि चौथा 152 कोटीचे रस्ते, हे चार प्रकल्पांचा भूमिपूजन उद्या होणार आहे। 1 वाजेपासून आपला कार्यक्रम सुरू होणार आहे। याच्यामुळे सर्व निमंत्रकांना हे रिक्वेस्ट आहे की 12 वाजेपर्यंत येऊन तिथे बसायचे आहे आणि 12:30 वाजेनंतर ते ॲक्सेस बंद होणार आहे। याच्यासाठी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था केली गेली आहे। सेम टाइम कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्यामुळे, कोरोनाची सावट असल्यामुळे आम्ही लिमिटेड संख्येमध्ये नागरिकांना बोलवलेला आहे, निमंत्रित केलेला आहे आणि गणमान्य नागरिकांसाठी शहरामध्ये विविध स्तरावर स्क्रीन उपलब्ध केली जाणार आहे आणि यासोबतच ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सर्व डिजिटल फोरमवर माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचा पूर्ण दौरा कार्यक्रम लाईव्ह प्रसारित होणार आहे। वबाई हालात के सबब रियासत भर देही पंचायतों के अमूमी चुनाव मुलतवी कर दिए गए थे। अब इन चुनावों की तवारीख का ऐलान कर दिया गया है। आइंदा माह 15 जनवरी 2021 को ग्राम पंचायतों के लिए रायदेही होगी और 18 जनवरी को राय शुमारी के बाद इंतखाबी नतायज का ऐलान होगा। चुनाव के इस ऐलान के बाद देही अवाम में मसरत का इजहार किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों घाटी अस्पताल ब्लड बैंक की जानिब से ज़खीरा खून की कमी के सबब खून के अतियाई दहिंदगान से एहतियात की अपील की थी। दत्ता जी भाले ब्लड बैंक की जानिब से बल्दिया उज़्मा के यौम तासीस के मुनासिबत से घाटी ब्लड बैंक के इश्तराक से एक अतिया खून कैंप और अतियात खून बेदारी हफ्ते का इनेकाद अमल में आया। नीस अवाम से अपील की गई है कि इस कार्य अजीम के लिए आगे आएं। दत्ताजी भाले रक्तपेढ़ी मध्य आज श्रेयम फाउंडेशन कार्यकर्त रक्तदान शिबिर आयोजित केले। तसे गेली 4 वर्षांपासून श्रेयम फाउंडेशन कार्यकर्ते रक्तदान शिबिर आयोजित करतात आणि रुग्णांना रक्तसेवेची मदत करतात। औरंगाबाद शहरातच नाही तर अन्य शहरातही ब्लड डोनेशन कॅम्प त्यांचे चालू असतात। सध्याच्या काळामध्ये तर रक्ताची जी टंचाई जाणवत आहे, कोरोनाच्या महामारीमुळे रक्तदान शिबिरांची संख्या कमी, रक्तदात्यांची पण रक्तपेढीत येऊन रक्तदान करण्याची संख्या कमी, त्यामुळे स्वाभाविकपणे रक्ताचा तुटडा हा सगळीकडेच जाणवतो आहे। एका दिवसाचा स्टॉक असेल अशी साधारण आत्ताची स्थिती आहे। मागच्या वर्षीपर्यंत आमच्याकडे साधारण रोज म्हणजे रक्तपेढीतला रक्ताचा साठा पाहिला तर 600-700 युनिट्स हे कधीही उपलब्ध असायचे, त्यामुळे खूप सहजपणे रुग्णांना रक्त देता यायचं। श्रेयम फाउंडेशनसारखे अनेक संस्था, कारखाने, कॉलेजेस ही रक्तदान शिबिरं घेतात, त्यामुळे हे खरं म्हणजे शक्य होत होतं। सध्याच्या परिस्थितीमध्ये मात्र त्याचा प्रचंड तुटवडा आहे आणि त्यात आजचा हा कॅम्प हा एका अर्थाने आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे। माझं नाव गौरव रमेश कोंदलकर। श्रेयम फाउंडेशनच्या रायझिंग डेनिमित्त हा एक स्तुत्य उपक्रम रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे श्रेयम फाउंडेशनने आणि अधिकाधिक लोकांनी याला सहभाग घ्यावा
कारण की आता कोरोनाच्या या पार्श्वभूमीवरती रक्ताचा खूप मोठा तुटवडा पडलेला आहे. एक आठवड्याभराचाच रक्तसाठा सर्व रक्तपिढींमध्ये आहे. तर मी सर्वांना हेच आवाहन करेन की सर्वांनी रक्तदान जास्तीत जास्त प्रमाणात करा. आता सध्या महाराष्ट्रामध्ये रक्ताचा तुटवडा जाणवत आहे ना, आम्ही घाटीमध्ये तर आम्हाला त्याची प्रकर्षाने जाणीव होती, त्यामुळं रक्तदान करण्याचा मानस आता वाढदिवसानिमित्त, त्यानिमित्त आज वाढदिवसाचं पण निमित्त होतं, त्यामुळं आलो आज. जिल्हा औरंगाबाद के करीबी तालुके फुलंबरी के मजाफात टाकली में एक प्रायमरी अस्पताल के तकरीबी इफ्तिताह से खिताब के दौरान मरकजी वजीर राव साहेब दानवे ने किसानों की जारी हड़ताल व एहतजाज से मुतालिक काबिल एतराज़ तबसरा किया, जिसकी चार जानिब मजम्मत जारी है. शहर औरंगाबाद में प्रहार संगठना के कारकनान इलाका शिवाजी नगर में वाक़ पानी की टंकी पर चढ़कर पिछले 24 घंटों से दानवे के बयान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं. वक्त हो चला एक मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़. शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी. तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नज़र कल्बे शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्ला खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन मोहम्मद निज़ामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेर इंसराफ सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है. शहरियान व सारफीन एक बार ज़रूर तशरीफ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें. मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और ए आर बॉम्बे कलेक्शन. हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद. छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आवाहन. छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराएं. नाजरीन वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है. सनदी इलाका वालूच की पुलिस थाना हदूद में दो शातिर नकबजनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इन सारकों की तहवील से हजारहा रुपये की मालियत का सामान बरामद किया गया है. मजकूरा कार्रवाई पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, माविन कमिश्नर निकेश खटामुड़े और विवेक सराफ की रहनुमाई में मुतालिका अमले ने अंजाम दी है. 56 नए मरीजों के इजाफे के साथ गुज़िश्ता रोज़ ज़िला भर के कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 44,180 हो गई है, जिनमें से 42,270 रूबा सेहत हो गए हैं और 744 मरीजों के इलाज जारी हैं. कोरोना महलुकीन की अब तक की जुमला तादाद 1166 बतलाई गई है. रियासत मगरबी बंगाल में गुज़िश्ता रोज़ भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा के काफ़िले पर किए गए हमले की मजम्मत करते हुए आज शहर में भाजपा कारकनान ने क्रांति चौक के इलाके में मजम्मती मुजाहरे किए हैं. खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर. कल बरोज़ सनीचर गरवारे स्टेडियम पर वजीर आला उद्धव ठाकरे का इजलास मुनक़िद. शहर के लिए 1680 करोड़ के आबी फराहमी मंसूबे समेत कई अहम मंसूबों का होगा इफ्तिताह. कोविड के हालात के सबब मुलतवी शुदा ग्राम पंचायतों के चुनाव की तवारीख का ऐलान. आइंदा माह 15 जनवरी को होगी रायदेही. नाजरीन यह किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है, कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडियन उर्दू न्यूज़.